देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। ग्राम पंचायत माधुरी कुंड में हुई पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया आवेदकों में लिखा आक्रोश। ग्राम पंचायत माधुरी कुंड में पंचायत सहायक डाटा कम एंट्री ऑफिसर की नियुक्ति चयन प्रक्रिया माधुरी कुंड प्राथमिक विद्यालय में 2 सितंबर 2021 को की गई, जिसमें 7 आवेदकों ने अपना आवेदन जमा किया, जिसमें मेरिट के आधार पर लक्ष्मी देवी पत्नी नेत्रपाल को पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया में सफल होने पर अन्य आवेदकों में आक्रोश नजर आया। अन्य आवेदकों का कहना है कि शासनादेश अनुसार किसी भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव या जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य का कोई भी रिश्तेदार या संबंधित ग्राम पंचायत सहायक की प्रक्रिया में चयन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आवेदक भानु ने बताया कि चयन प्रक्रिया में सफल हुई लक्ष्मी देवी पत्नी नेत्रपाल एक ग्राम पंचायत सदस्य है, भाई की पत्नी है, जो ग्राम पंचायत सदस्य की संबंधी होने के नाते इस प्रक्रिया में आवेदन के रूप में नहीं होनी चाहिए। और अन्य ग्रामीण और आवेदकों ने बताया कि बिना पूर्व सूचना के यह चयन प्रक्रिया की सभा आयोजन किया गया। कई अन्य बुजुर्ग प्रधान व सचिव से बहस करते हुए नजर आए। ग्राम पंचायत सदस्यों ने यह भी बताया कि उनके घर हस्ताक्षर करवाने के लिए रजिस्टर भिजवाया गया, मगर उन्होंने खुली सभा में बैठकर ही हस्ताक्षर करने को कहा, तब जाकर इस सभा को आयोजित किया गया। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव माधुरी कुंड विजय राज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनादेश अनुसार ही पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया को संपन्न किया है। जब ग्राम प्रधान इंद्रदेव से ग्रामीणों के असंतुष्टि का कारण पूछा गया तो ग्रामीणों को असंतुष्ट करने के लिए उनके पास कोई उचित जवाब नहीं था। वह मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि क्या लक्ष्मी देवी पत्नी नेत्रपाल पंचायत सहायक की नियुक्ति पर चयनित होंगी या शासन कोई और आवेदक को इस पद पर नियुक्ति देगा। यह तो शासन की पहल के बाद ही पता चल पाएगा। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से चीफ एडिटर मनोज सिरोही की रिपोर्ट। आपका नाम? इंद्र सिंह। सर, ये जो ग्राम पंचायत है इसमें आप किस पद पर हैं? ग्राम प्रधान माधुरी कुंड। तो आज जो चुनाव के लिए यहाँ बैठक की गई है, इसके विषय में कुछ ग्रामीण असंतुष्ट हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? संतुष्ट? वो सर ने बता दिया अभी असंतुष्ट क्यों है। अच्छा, जो कुछ भी यहाँ प्रक्रिया की गई है वो शासन के आदेश अनुसार की गई है सर। तो आप ग्रामीणों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह। तो आज ये बैठक हुई है जिसमें यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की गई है। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु माननीय सचिव विजय राज जी द्वारा और हमारे माननीय ग्राम प्रधान श्री इंद्र सिंह के द्वारा पंचायत समिति में बैठक की गई। इस बैठक में 7, मैंने सुना है कि 7 आवेदकों ने 7 आवेदकों ने आवेदक अपने किए थे। तो उन आवेदकों में से एक लक्ष्मी वाइफ ऑफ नेत्रपाल, जिसका जो मेरिट है उसका जो मेरिट है वो हाई है, लेकिन उनके जो जेठ हैं वो ग्राम पंचायत समिति में सदस्य पद पर प्रेजेंट में कार्यरत थे। माननीय योगी जी द्वारा चलाए जा रहे मिशन रोजगार के मद्देनज़र रखते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को या ग्राम प्रधान सचिव या ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के या क्षेत्र पंचायत सदस्य के किसी भी ऐसे व्यक्ति का आवेदन को स्वीकार न किया जाना चाहिए था, लेकिन स्वीकार करने के उपरांत उसका चयन भी हमारे माननीय सचिव महोदय श्री विजय राज जी द्वारा किया गया आज पंचायत समिति के, जो बिल्कुल ही निराधार है। तो आपको इस पे आपत्ति है? जी बॉस। तो आप क्या कहना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों से एक यही विनम्र निवेदन करूंगा, मुझे अपने से कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा पंचायत सदस्य की भाभी के अलावा अगर कोई भी आवेदक वहाँ पे उसकी मेरिट को दूसरे नंबर पे ले रहा है तो उसका सिलेक्शन वहाँ किया जाए। तो आपके साथ और भी ग्रामीण सहमत हैं आपकी बात से? आप अकेले हैं? नहीं सर, मेरे साथ सभी मेरी पंचायत के जितने भी 4-6 जो सदस्य हैं वो भी सहमत हैं। ना ही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ये बताया गया कि कल, जबकि जो शासनादेश में लिखा गया है कि ये खुली मीटिंग में किया जाएगा। हाँ। सभी आवेदकों को बुला के ये कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन पंचायत सचिव जी के द्वारा ये कहा गया है तो वहाँ ना तो कोई आवेदक मौजूद होगा, ना ही कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सदस्य पंचायत समिति से गठित नहीं होगा। उसको नज़रअंदाज करते हुए माननीय सचिव महोदय श्री विजयराज जी के द्वारा सचिवों को इकट्ठा करके ना किसी आवेदक को वहाँ बुलाया गया और वहाँ पे एक महिला का, ऐसी महिला का चयन किया गया जो कि सदस्य की भाभी है। आप बताएं। मेरा नाम विजयराज सिंह है। सर, आज जो मीटिंग हुई किस उसमें हुई है? जी मैम, ये जो हमारे पंचायत सहायक है
है उनकी नियुक्ति से संबंध में प्रशासनिक समिति की बैठक आज हमारे कुंड में हमने बारे में जानकारी दी। सर यहाँ पे किसको चुना गया है? यहाँ पे हमारी श्रीमती लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ गोपाल सिंह है जो मेरिट में पहले स्थान पर थी, उनका हमने मेरिट के बेस पर समिति ने उनका चुना। सर जैसे बताया गया कि चुनने में प्रधान सेवा जो भी उसके सदस्य कोई होना नहीं चाहिए, तो ये जो लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ द नेतृत्वपाल है ये मेंबर्स क्या नाम है रमेश मेंबर साहब हैं जो उनकी भाभी हैं जी। इस बारे में मैडम मैंने जो शासन का हमें शासनादेश प्राप्त हुआ है मैंने समिति में पढ़ के सुनाया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं पूरी से संतुष्ट हूँ। उसमें जो भी ब्लड रिलेशन है और जो खुले हुए हैं उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है कि एक ग्राम पंचायत सदस्य के छोटे भाई की पत्नी को हम उसमें शामिल न कर सकें। मैंने शासनादेश पढ़ा हुआ है इसलिए उसका चयन हम कर सकते हैं।